like a Hellcat. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इट्स माय व्लॉग्स और आपका इट्स माय व्लॉग्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बेस्ट डील फॉर व्हील आए हुए हैं जो कि निराला नगर में पड़ती है और आज हम लोग आपको काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे जिसमें कि आप लोग को सारी सेडान सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाएंगे जिसमें कि अमेज हो गई, सियाज हो गई और इसके अलावा वरना हो गई और भी गाड़ियाँ दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओके सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुबोध तिवारी है और शोरूम मेरा बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से है, निराला नगर लखनऊ। ओके, तो सर सबसे पहले हम लोग यहाँ आ कैसे सकते हैं? आने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं हमारा, तो अगर कहें तो मेन रोड पे सिस्टम है ये। ओके, तो ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, बस और किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, सारे साधन हैं यहाँ। आईटी चौराहे से उतर के, आईटी चौराहे से आप वॉकिंग डिस्टेंस है मेरा 500 मीटर की दूरी है आईटी चौराहे से। बाकी आने के लिए तो आपको रिक्शा, ऑटो सब कुछ मिलता है। ओके सर, आज हम लोग कलेक्शन कौन कौन सा दिखाने वाले हैं? जैसे कि सेडान गाड़ियाँ सारी हैं। सेडान में तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आप जितनी दिखा पाओ इसमें उतनी दिखा दीजिए। ओके, गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी हैं सेडान में हमारे पास में। अगर मैं मारुति की बात करूँ, हुंडई की बात करें, होंडा की बात करें, टोयोटा की बात करें और अदर भी हैं कुछ गाड़ियाँ, तो सेडान में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं कि शायद आपको कवर नहीं कर पाओगे वीडियो में। तो लेकिन इस वीडियो में भी कुछ गाड़ियाँ जैसे कवर करेंगे सर, वरना हो गई, होंडा सिटी हो गई और इसके अलावा अमेज डिजायर हो गई, अमेज हो गई, होंडा सिटी हो गई, इस टाइप की गाड़ियाँ कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। ओके, तो पहली गाड़ी जो है हमारी होंडा की अमेज सर, जो कि न्यू शेप में है। हाँ, न्यू शेप में है, मॉडल भी इसका 2019 का है। ओके, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी और जैसे देख रहे हैं आप आईडीटेक के डीजल वेरिएंट हो गया और VX टॉप मॉडल हो गया। ओके सर, लखनऊ का नंबर है। ओके, ओनर फर्स्ट होगी और गाड़ी जो अभी तक ये चली हुई है ये 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ऑन रिकॉर्ड चली हुई है, बिल्कुल 100% गारंटी होती है। गाड़ी जो भी हमारे पास में आप देख रहे हैं सब गारंटी शुदा होंगी, जो भी चली होंगी ओरिजिनल चली होंगी। बाकी आप इसको चेक करा सकते हो, दिखा सकते हो। ओके, पूरी एक्चुअल कंडीशन होगी, लड़ी भिड़ी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं होंगी, इसकी गारंटी होती है मेरी, जो चली होगी उसकी गारंटी होगी और 6 महीने की इंजन की भी गारंटी देंगे। इंजन, गियरबक्सा, बैटरी, इसकी सारी गारंटी होगी। अपनी संतुष्टि के लिए इसको चेक कराइए, दिखाइए। अभी लेटेस्ट मॉडल है तो ये कंपनी की वारंटी में भी है, 2 साल की कंपनी की वारंटी, 2 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी किसी कंपनी में आपको 3 साल की भी वारंटी मिलती है तो उसको आप एक्स्ट्रा और भी बढ़ा सकते हैं 2 साल के लिए। फिलहाल अभी ये गारंटी में है। 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और उसकी गाड़ी आप देख रहे हैं पूरी एक्चुअल कंडीशन की गाड़ी होगी, कोई भी पेंट पॉलिश नहीं किया है इसके ऊपर। ओके सर, पूरी ओरिजिनल है होगी। हाँ। ओके सर, अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो अंदर की बात करें तो डिस्प्ले, फ्रंट के 2 एयरबैग हो गए, ABS हो गया, अलॉय व्हील हो गया, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हो गया और सारा कुछ एकदम एवन होगा, कुछ भी करना नहीं है, सारे फीचर हो जाएंगे। ओके सर, और पावर विंडो मिल जाएगा, चारों पावर विंडो हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गए, AC, हीटर, आउट ऑफ फोल्ड साइड मिरर, साइड मिरर आपके ऑटो हो गए। ओके सर, और पार्किंग सेंसर भी है सर? बिल्कुल, होंगे सेंसर भी हो गया, इनबिल्ट हो गया, तो सारा कुछ होगा। ओके, अगर आस्किंग की बात कर ले तो आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो आस्किंग प्राइस इसकी हमारी 9,25,000 रुपये की है। ओके, निगोशियेबल है, जब भी बैठे होंगे तो बात करी जा सकती है। नई गाड़ी की बात करूँ तो लगभग ये 12,75,000 रुपये के आसपास की गाड़ी है। और सर, इन कितने सीसी का इंजन है? 1500 सीसी का इंजन होता है, 1500 सीसी, पेट्रोल डीजल, डीजल वेरिएंट मैंने बताया था ना, आईडीटेक है, आईडीटेक, यस सर। हाँ, डीजल वेरिएंट है। माइलेज की बात करूँ तो 20-22 का लोकल माइलेज देती है। ओके, ऑटोमेटिक थोड़ा सा महंगी होती है गाड़ियाँ, बाकी बिंदास गाड़ी फर्स्ट क्लास एकदम। और बाकी 9,25,000 इसकी आस्किंग प्राइस हमारी 9,25 की है जो कि नेगोशिएबल है, कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करी जा सकती है। और जितने प्राइस होंगे सारे नेगोशिएबल प्राइस होंगे, खाली सिर्फ एक आस्किंग प्राइस है। आस्किंग प्राइस एक अलग चीज़ होती है, मैं फिक्स प्राइस आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसमें भी आदमी बार्गेनिंग तो करता ही है कुछ ना कुछ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं सर। नेक्स्ट गाड़ी हमारी डिजायर, डिजायर दिखा देते हैं। ओके, तो सर ये कौन से का मॉडल है? डिजायर मेरे पास में 2018 मॉडल की, 2018 मॉडल। ओके सर, ओनर फर्स्ट होगी, नंबर आपका लखनऊ का हो गया, VDI वेरिएंट हो गया, यानी डीजल। ओके सर, डीजल वेरिएंट है और गाड़ी जो चली हुई है इस समय ये 38,000 किलोमीटर चल गई है।
38,000 जी हाँ, ओनली कॉडेड होगी। अभी टायर वगैरह जो भी लगे हुए हैं ओरिजिनल ही हैं, लगे हुए ओरिजिनल टायर होंगे। सर कितने परसेंट टायर है अभी? अलॉय व्हील की अगर बात करूँ तो ये कंपनी के ही अलॉय व्हील लगे हुए हैं। ओके, बाहर से बाद में लगाए गए क्योंकि बीडीआई में अलॉय व्हील नहीं आते हैं। यस सर, व्हील अलग से लगे हैं। लेकिन सर ये अलॉय व्हील तो पुरानी वाली डिजायर के हैं, जो पुरानी डिजायर में आते थे। डिजायर की बात नहीं करता हूँ मैं, अगर अलॉय व्हील की बात करें तो उसमें कई सारे डिजाइन आते हैं, जो जिसको डिजाइन पसंद आ जाए वैसा आदमी लगवा लेता है। ओके, वैसे ये डिजाइन भी बहुत अच्छा चला था, खूब चले थे ये। ये तो स्विफ्ट डिजायर जो पहले आती थी उसका है। चलिए, और टायर कितने परसेंट है सर? टायर की भी बात करें तो टायर अभी जो इस समय गाड़ी में है लगभग 25-30% टायर है। ओके, अभी भी सर कितने चल जाएंगे? चलने की अगर बात करें तो लगभग 20,000-25,000 किलोमीटर के आसपास ये टायर चलेंगे। ओके, बाकी हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से टायर पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर सर्विस के साथ साथ में आप टायर को हमेशा रोटेट करते रहें, हर सर्विस के साथ में टायर रोटेट होते रहते हैं, तो टायर की लाइफ बढ़ जाती है, वो 5-10,000 किलोमीटर अधिक चलते हैं। ओके, तो थोड़ा सा होता है। बाकी फिलहाल अभी टायर बहुत अच्छे हैं, टायर में कुछ नहीं करना है। आगे के जो टायर देख रहे हैं वो करीबन 50% के आसपास के हैं, पीछे के टायर जो देख रहे हैं ये 30-35% करीबन पहुंच जाते हैं, 30% के आसपास हैं, तो बढ़िया टायर है। और अगर अगर इंटीरियर में बात कर लें तो कुछ हो जाता है, सीट कवर्स कंपनी फिटेड है, सीट कवर भी जो लगे हुए हैं ये आपको लगाने नहीं, लेदर के सीट कवर लगे हुए हैं। ओके सर, और बढ़िया कंडीशन में है कि अभी कुछ नहीं करना है। ओके, बाकी बीडीआई वेरिएंट है तो आपके इसमें चारों पावर विंडो हो गए, पावर स्टेयरिंग हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हो गया, पीछे भी एसी हो गया, हैंडरेस्ट हो गया, और यहाँ पे कप होल्डर भी हो जाता है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स भी, एयरबैग भी हो गया, इसमें दो एयरबैग हो जाएंगे, कंट्रोलर आपके स्टेयरिंग पे हो जाएंगे, शीशे आपके ऑटो हैं, तो सारा कुछ हो जाता है, फुली लोडेड भी हो गई, लगभग फंक्शन इसमें मिल जाता है, सारे फंक्शन मिल जाते हैं। न्यू में कितने की आती है? नई गाड़ी की बात अब तो आ नहीं रही है समय, लेकिन जब आती थी तो करीबन 8,75,000 रुपए की हुआ करती थी। 8,75,000 आस्किंग प्राइस तो इस समय हम इसकी 7,25,000 रुपए की करते हैं। एक्चुअली में हमारी आस्किंग प्राइस नहीं होती, हमारी कस्टमर, हम लोग पार्किंग सेल पे गाड़ी खड़ी करते हैं और कस्टमर की अपनी नीड होती है। आज की डेट में जैसे मैं कहूँ तो मारुति एक साल से डीजल गाड़ियाँ नहीं बना रहा है। यस सर, ये तो है। जिसके पास भी गाड़ियाँ हैं वो हमें भी लगता है कि थोड़ा सा 19-20 हैं गाड़ियाँ ये, लेकिन हमें रखना है, एक जैसे जनरल स्टोर की दुकान होती है कि हर सामान होना चाहिए वहाँ पर, तो मुझे भी सब चीज़ें हमारे कस्टमर ने डिमांड करते हैं कि उनको डिजायर भी चाहिए, डीजल वेरियंट में भी बिल्कुल चाहिए, तो थोड़ा सा 19-20 तो है, लेकिन गाड़ी हम आपको गारंटी के साथ में देंगे और पूरी तरह से हर एक चीज़ की गारंटी होगी। अगर मैंने 38,000 बोला है तो 39 नहीं हो सकता है, इवन चली हुई गाड़ियाँ होंगी, एक्चुअल मीटर पे होंगी, लड़ी भिड़ी एक्सीडेंटल नहीं होंगी, कागज़ पत्र सब कंप्लीट होंगे। एनओसी लेना हो एनओसी ले लीजिए, ट्रांसफ़र कराना यहीं पे ट्रांसफ़र करा लीजिए, वो भी आपको नहीं करना, मैं ही करके दूंगा सब कुछ, आपको सिर्फ पेमेंट करनी है और गाड़ी लेके जानी है, तेल डालिए, गाड़ी चलाइए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। दो चीज़ें बड़ी खास होती हैं, आगे पीछे के बंपर और साइडें, ये सर उस पर स्क्रैचेस अधिकतर आते हैं, तो हमें गाड़ी बेचनी होती है तो हम थोड़ा सा और उसको रिमूव करते हैं कि चमका के रखें, उसको साफ सुथरा कर दें, ये चीज़ें होती हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि लड़ी भिड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी अपने पास में, ऑन रिकॉर्डेड होंगी, अपनी संतुष्टि के लिए इसको आप चेक कराइए, दिखाइए, जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ एकदम श्योर हो तभी गाड़ी लेके जाए, अभी लेके जाइए। ओके, और सर आस्किंग क्या बताइए? आस्किंग तो हम इसकी 7,25,000 रुपए की करते हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस हो जाएगी। और मेंटेनेंस की सर बात करें तो इनका मेंटेनेंस भी ज़्यादा हाई नहीं होता मारुति का, मेंटेनेंस होता है। रीसेल की बात करूँ, मेंटेनेंस की बात करें, रखरखाव, रीसेलिंग वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल है। ओके सर, आस्किंग बहुत अच्छी है, 7,25,000 बताइए, जो कि नेगोशिएबल है, जो कि नेगोशिएबल है, जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ इसमें भी बार्गेनिंग करी जा सकती है। ओके सर, नेक्स्ट गाड़ी हमारी वरना है, जो कि सर न्यू शेप में है, 2020 मॉडल, वरना 2020 मॉडल में भी है मेरे पास में, 19 मॉडल में भी है, 17 मॉडल में भी है, 18 मॉडल में, कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अभी तो आपको हम जो बताने जा रहे हैं 2020 मॉडल है, आइए मैं 20 मॉडल। ओके चलिए, वो भी दिखा देते हैं आप लोग को। ओके, तो वरना सर जो कि न्यू शेप में ही है अभी भी, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, बिल्कुल है, इस समय यही मॉडल आ रहा है। ओके, 2020 मॉडल, 2020 का है। ओके सर, फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, नंबर है UP 53 गोरखपुर का है, गोरखपुर। और सर वेरियंट कौन सा है? SMT वेरियंट है, SMT। ओके, और फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी जो चली हुई है, इस समय 4,900 किलोमीटर चल गई है, ये पेट्रोल वेरिएंट है, ये पेट्रोल वेरिएंट, हाँ। ओके सर, और बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी, पूरी एक्चुअल कंडीशन में गाड़ी होगी, कोई भी पेंट पॉलिश कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज कंडीशन में गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल, पूरी ओरिजिनल कंडीशन की गाड़ी होगी। ओके, 4,900 किलोमीटर में खैर चलती हुई हुई क्या है उसमें, 4,900 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड होगी, अभी जो भी एक आध दो सर्विस हुई है कंपनी की है। ओके, और अभी बाकी है स्टेपनी वगैरह? हाँ बिल्कुल बाकी है, अभी जो सर्विस है बाकी है, अभी कंपनी की वारंटी बाकी है इसके ऊपर। ओके, तो गारंटी में गाड़ी है कंपनी की, स्टेपनी वगैरह ब्रांड न्यू रखी हुई है, अभी तक यूज़ नहीं करी गई है। ओके सर,
बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में गाड़ी ओके okay, और बाकी अंदर डिस्प्ले तो सर काफी बड़ा मिल जाएगा डिस्प्ले सिस्टम एक्चुअली में ये कस्टमर ने लगवा रखा है आफ्टर मार्केट तो ये डिस्प्ले स्टीरियो काफी बड़ा उसने लगवाया है बहुत अच्छा स्टूडियो है एकदम झमाझम बजेगा जब भी करेंगे बड़ा मजा आता है उसमें और कैमरा वगैरह भी फिट करा दिया उसमें ओके सारे फीचर हो गए उसमें ओके अगर फंक्शंस की बात कर ले तो आपके चारों पावर विंडो हो गए पावर स्टीयरिंग हो गया एसी हीटर ब्लैक लेदर फिनिश सीट सीटें आपकी ब्लैक लेदर की बहुत अच्छी कंडीशन की लगी हुई हैं और महंगे सीट कवर हैं ये ओके तो सीट कवर भी लेदर की हो गई म्यूजिक सिस्टम जैसे आपने देखा डिस्प्ले कितना बड़ा सा लगा हुआ है जैसे देखा तो वो भी और बाकी डिस्प्ले में भी दिख ही रहा है एबीएस हो गया हैंड रेस्ट आगे आपके सीटों के बीच में हो गया पीछे भी आपका कप होल्डर और हैंड रेस्ट मिल जाता है ओके सर ऐसे इवेंट्स पीछे मिल जाएंगे बिल्कुल है लंबी गाड़ी है डिक्की वगैरह बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है ओके और बेहतरीन होगी गाड़ी में कुछ भी करना नहीं है जिनका यूज़ कम है वो चाहें तो आप पेट्रोल गाड़ी ले सकते हैं ओके फुर्सत हो जाएगी लंबे समय के लिए कुछ करना नहीं है दसियों साल कुछ ना करिए ओके सर इसमें कितने सीसी का इंजन मिल जाएगा ये इंजन की बात करें तो इसमें भी दो तरीके के इंजन आते हैं एक 1.4 हो जाता है एक 1.6 हो जाता है तो ये कौन सा है 1.4 इंजन में हो गया 1.4 ओके बाकी आस्किंग क्या रखी गई है सर आस्किंग प्राइस इसकी हम 9,25,000 रुपए की करते हैं 9,25,000 सर न्यू में नई की बात करूं अगर तो नई लमसम ये 12 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी है 12 लाख रुपए की गाड़ी है 12 प्लस ओके 12 के आसपास की गाड़ी है सर ऑन रोड प्राइस ऑन रोड ही होता है सारा कुछ अब ऑन टाइम टैक्स तो पे ही हो जाता है ओके वो 15 साल के लिए पे हो चुका है जो भी गाड़ियां हमारे यहां पे चल रही हैं वो 15 साल के लिए टैक्स पे हैं चाहे वो डीजल की बात करूँ या पेट्रोल की बात करें तो 15 साल आप उनको यूज़ कर सकते हैं 15 साल के बाद एक बार अब इस समय जो नया कानून आया उसके हिसाब से 5 साल का आरआर करा सकते हैं ओके तो एक बार आरआर भी हो जाएगा प्राइवेट गाड़ियां जो भी हैं वो 20 साल चलेंगी ओके सर और बाकी गाड़ियाँ हैं किसी भी गाड़ी में कुछ भी करना नहीं है आस्किंग 9,25,000 बताई 9,25,000 की डिमांड है जो कि निगोशिएबल है जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करेंगे ओके तो नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं नेक्स्ट गाड़ी भी वरना ही है लेकिन सर टॉप मॉडल है जिसमें कि सनरूफ भी है और वो भी इससे एक स्टेप नीचे वाला मॉडल है मॉडल है टॉप मॉडल में है जाएगी वो ईयर एक साल नीचे है बाकी इससे वो ऊपर अवेलेबल है आइए दिखाता हूँ मैं आपको चलिए ओके सर टॉप मॉडल वरना की बात करते हैं ये 2019 मॉडल की गाड़ी है ये ओके हुंडई वरना फर्स्ट ओनर होगी नंबर लखनऊ का हो गया 3377 है शायद नंबर इसका यूपी 32 के 3377 ये सर फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी ओके और ये टॉप मॉडल है इसका SX 1.6 ऑप्शनल होगा विद सनरूफ के साथ में सनरूफ भी आप लोग देख लीजिए और फुली लोडेड गाड़ी होगी डीजल वेरिएंट है ये CRDI इंजन होगा ये CRDI इंजन ओके सर कॉमन रेल डीजल इंजेक्टर हो गया वो ओके तो डीजल इंजन है ओनर फर्स्ट हो गई नंबर लखनऊ का हो गया और फुली लोडेड गाड़ी होगी जैसे कहें तो टायर वगैरह सब साथ के ही गाड़ी के लगे हुए हैं कोई भी टायर नहीं बदला गया है इसका अभी तक ओके लगभग एक्चुअल पॉलिश पेंट पे ही है बम्पर के अलावा और कुछ भी बॉडी में पॉलिश पेंट नहीं होगी छोटा मोटा मैंने टचअप किया है तो जैसे बम्पर मैंने किया आगे पीछे के ओके सर इसमें भी टचअप है देखिए अगर मैं कहूँ कि साल दो साल गाड़ी शहर में चलती है तो स्क्रैचेस तो पड़ते पड़ते हैं कोई कहीं साइकिल वाला कहीं मोटरसाइकिल वाला या घर में ही करते वक्त कभी इधर उधर लग जाती है ओके सर और बाकी काफी लंबी गाड़ी भी है बम्पर तो आएगी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं रगड़ जाती है कोई ना कोई बम्पर पे होता है और कस्टमर को भी साफ सुथरी गाड़ी दे तो ज्यादा अच्छा रहता है और वो भी लेके जाएंगे तो उनके लिए भी वो कहने के लिए पुरानी हो लेकिन वो भी उनके लिए तो गाड़ी नई ही होगी यस सर तो बिल्कुल वैसे ही गाड़ी मिलेगी फुली लोडेड गाड़ी होगी अगर फीचर की बात करूँ इसके मैं तो इसमें भी चारों पावर विंडो हो गए पावर स्टेयरिंग एसी हीटर पीछे वाइपर डिफॉगर ऑटो ग्लासेस हो गए 6 एयरबैग होंगे गाड़ी में 6 एयरबैग है 6 एयरबैग होंगे गाड़ी जो चली हुई है इस समय 45 हो गई है ओके 45,000 किलोमीटर चली हुई है जो ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में जो भी सर्विसेज होंगी कंपनी की होंगी सीट कवर वगैरह कंपनी के ही लगे हुए हैं लेदर के सीट कवर हैं और सीट कवर इसके ऊपर डाले भी नहीं जाएंगे यही सीट कवर लगे रहेंगे एक्चुअली में इसमें एयरबैग हैं इस वजह से इसके ऊपर कवर डाल देंगे तो एयरबैग नहीं खुलेंगे yes, तो यही लेदर के सीट रहेंगे ये और बेहतरीन कंडीशन के सीट कवर हैं कि लगाने की आवश्यकता नहीं है इतने खूबसूरत सीट कवर हैं ये और बैक साइड में भी एसी मिल जाएगी इसमें भी पीछे भी एसी हो जाता है आपका हैंड रेस्ट भी मिल जाएगा पीछे कप होल्डर भी मिल जाएगा यहाँ भी हैंड रेस्ट हो गया तो फीचर की बात करूँ तो ये फुली लोडेड हो गई है और सर स्टीयरिंग पे ही कंट्रोल्स इसमें भी मिल जाएगा आपके स्टीयरिंग पे ही हो गए ओके और डिस्प्ले आपका एलसीडी हो गया पीछे कैमरा भी हो गया सारे फीचर मिल जाएंगे आपको जितने भी फीचर चाहिए होते हैं सब टॉप वेरिएंट भी है सनरूफ भी मिल रहा है आपको सर न्यू में कितने की आती है नहीं तो लमसम 18 के आसपास की गाड़ी है ये ओके सर डीजल पेट्रोल डीजल वेरिएंट डीजल वेरिएंट ओके हमारी आस्किंग प्राइस जो इसकी है वो 11,75,000 रुपए की है जो कि निगोशिएबल है जब भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है जो भी कम हो जाए उसमें ओके गाड़ी मेरी तरफ से जितनी भी होंगी मेरे यहाँ पे सारी टेस्ट करी हुई होंगी जांची परखी होंगी तो किसी भी गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है बाकी चेक कराइए दिखाइए
ओके और 6 महीने की गारंटी देंगे सारी गाड़ियों पे, जो भी गाड़ियां हमसे आप ले रहे हैं उसमें 6 महीने की गारंटी होगी, जिसमें आपका इंजन, गियर बक्सा, बैटरी सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। बाकी अपनी संतुष्टि के लिए उसको दिखाइए, चेक कराइए और कंपनी से रिकॉर्ड वगैरह तो सब ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। ओके सर, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। ओके सर, नेक्स्ट गाड़ी हमारी सियाज है, काफ़ी डिमांडेड गाड़ी भी है। हाँ बिल्कुल। ओके, ये कलर भी लोगों को बहुत पसंद आता है, ब्लू कलर। हाँ सर, ये नेक्सा है कि सुजुकी कह सकते हो, चाहे मारुति की बात करें नेक्सा कर ले या मारुति कर ले, है सब कुछ वही। ओके, अब हमने अपने शोरूम में एक ब्रांड दे दिया, जैसे ब्रांड मारुति भी पहले कभी जैसे मारुति का एक नॉर्मल सिस्टम हुआ करता था, तो उसने एक अपना भी ब्रांड बना दिया, नेक्सा के नाम से एक ब्रांड कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमारी कुछ गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो ब्रांडेड इस टाइप की खड़ी करूँगा मैं, तो एक अलग शोरूम, अलग सिस्टम, अलग तरीके, तो एक ये ब्रांड हो गया। ओके सर, तो सबसे पहले तो ये कौन से का मॉडल है? मॉडल की बात करता हूँ तो 2018 का मॉडल है ये। 2018। हाँ, वेरिएंट कौन सा है सर? ये टॉप मॉडल होगी। टॉप मॉडल। हाँ, और अल्फा? अल्फा हो गई या मैं GTI प्लस बोल दूँ, दोनों चीज़ें हैं भाई। ओके सर, तो टॉप मॉडल हो गया, ओनर फर्स्ट है, नंबर लखनऊ का है। ओके, ब्लू कलर हो गया गाड़ी का। गाड़ी जो इस समय चली हुई है लगभग ये 42,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है। 42,000 किलोमीटर, जो कि ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। ओके, और DDIS इंजन पे होगी, डीजल इंजन हो गया है DDIS। फुली लोडेड गाड़ी होगी, आपके एयरबैग, ABS, अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम, व्हील, पीछे डिफॉगर, सब कुछ होगा, फुली लोडेड गाड़ी होगी। ओके, और फर्स्ट क्लास और स्टेयरिंग पर ही इसमें कंट्रोल इसमें भी मिल जाएगा, कंट्रोलर स्टेयरिंग भी मिल जाएंगे, एयरबैग मिल जाएंगे, पुश बटन स्टार्ट हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपके, एयरबैग हो गया, म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन हो गया, पीछे कैमरा हो गया, अलॉय व्हील्स हो गए, स्पॉइलर हो गए, बैक साइड में स्पॉइलर भी लगा हुआ है, यहाँ पे मिल जाता है, पीछे का फोल्डर हो जाता है, तो फीचर सारे हो गए आपके। ओके, और जब खोलेंगे दरवाजा तो लाइट भी जलेगी, वो सियाज के साथ में लाइट भी जलेगी। ओके सर, वो एसेसरीज में आ जाता है, एसेसरीज ही कहूँ या कंपनी लगा के दे रही है उसको। ओके सर, तो कितने में अवेलेबल है? आस्किंग प्राइस जो हमारी इसकी है वो 9,25,000 रुपये की है। 9,25,000 सर, न्यू में कितनी प्राइस है? नई की बात करें तो करीबन 12-12.5 लाख रुपये के आसपास की गाड़ी है ये। ओके, 12-12.5 लाख की, 9,25,000 इसकी डिमांड है, जो कि कम हो जाएगा जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है। ओके सर, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारी फोर्ड की फिस्टा है, फिस्टा क्लासिक सर। यस सर, ये भी मॉडल की बात करता हूँ तो 2015 का मॉडल है इसका। 2015 मॉडल, जी हाँ। ओनर फर्स्ट होगी, नंबर लखनऊ का हो गया, और टाइटेनियम ये टॉप मॉडल आ रहा था, तो टाइटेनियम है, ये टॉप मॉडल है। तो ये टॉप मॉडल होगी, तो इसमें दो एयरबैग भी मिलेंगे आपको, ABS भी हो गया, अलॉय व्हील भी हो गया, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड हो गया, पीछे आपका हैंडरेस्ट भी हो गया, कप होल्डर के साथ में हो गया, सीट कवर लेदर के लगे हुए हैं। ओके, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, ये फुली लोडेड गाड़ी होगी ये भी। सर डीजल पेट्रोल? डीजल वेरिएंट है। और माइलेज की बात करें तो 20 के ऊपर का माइलेज देती है, इसका माइलेज बहुत अच्छा होता था। ओके, तो माइलेज इसका 20 के ऊपर का जाएगा। ओके सर, मेंटेनेंस की बात करें तो सर मेंटेनेंस तो तब आता है जब इंजन खुलना शुरू हो जाए, सामान पड़ना शुरू हो जाए, नहीं तो सर्विस कराने में मेंटेनेंस का नहीं होता कि आप किसी अदर कंपनी की गाड़ी में सर्विस कराने गए, आपने 4,000 रुपये सर्विस में खर्च किए, किसी और के चले गए तो आपने 4,500 खर्च कर दिए, तो उसमें नहीं फर्क पड़ता है। ओके, कि सर्विस में क्या चार्ज आते हैं, मोबिल ऑयल वही पड़ेगा, फिल्टर वही होते हैं, सब सिस्टम वही होते हैं, 19-20 का फर्क हो जाता है। ओके, और सर इसमें भी अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, सारा कुछ होगा, और आउट ऑफ साइड में विद टर्निंग इंडिकेटर, सारा कुछ मिलेगा। ओके सर, ये कितनी चली हुई है? ये 65 चल रही है, 65,000 किलोमीटर चली हुई है। ओके, ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, जैसा मैं हर गाड़ी के बोलता हूँ, तो फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में गाड़ी होगी, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, गाड़ी में आपको फ्यूल डाली और गाड़ी चलाइए, सिर्फ इतना ही करना है। ओके, आस्किंग प्राइस की बात करता हूँ तो मैं 4,50,000 रुपये की इसकी डिमांड करते हैं। ओके सर, ये न्यू में सर कितने की आती? नई गाड़ी तो उस समय आ रही थी करीबन 9 लाख रुपए के आसपास, 9 लाख रुपए की गाड़ी थी। हाँ, ओके, 9 के ऊपर की गाड़ी थी जब आ रही थी, तो 50% पे आपको गाड़ी मिल रही है। ओके, 4 लाख 4,50,000 रुपये की डिमांड है इसकी, बाकी निगोशिएबल है, जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ कम हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी दिखा दे। ओके सर, नेक्स्ट गाड़ी हमारी हुंडई की एक्सेंट है। हाँ, जो कि 2017 मॉडल, 2017 का मॉडल है। ओके, फर्स्ट होगी, नंबर आपका लखनऊ का हो गया, कलर सिल्वर हो गया। ओके, सेकंड टॉप मॉडल है, SMT है, और पुलिस की गाड़ी है जो जिनके आगे से, हाँ हाँ कह सकते हो, आज की डेट में वैसे ये भी फैशन का दौर है कि लोग पत्रकार लिखवाए होते हैं, या सर पुलिस लिखवाए होते हैं, लिखा होता है, पुलिस लिखा होता है, हो सकता है फिलहाल। ओके, अधिकारी रेंज के आदमी है ये, पुलिस में ही है जिनकी गाड़ी है ये। ओके सर, हमारे यहाँ ही, और बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में गाड़ी होगी। अभी आप जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ ओरिजिनल कंडीशन में होगा, कोई भी पेंट पॉलिश नहीं किया, और अभी तो धुली भी नहीं गई है, कुछ बाहरी खड़ी हुई है। मेरे पास में ये गाड़ी थोड़ी देर पहले ही आई थी, आपने इसका वीडियो बनाया है। ओके, पहला वीडियो आपने बनाया है इसका, पहले भी मेरे पास इसी समय गाड़ी आई थी। गाड़ी जो भी चली हुई है ये 18,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि ऑन रिकॉर्डेड है, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। ओके सर, और अगर फंक्शंस की बात करें तो फॉग लैंप का ऑप्शन मिल जाएगा, एयरबैग हो गए। ओके, चारों पावर विंडो हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी, होटल हो गया, पीछे आपका हैंडरेस्ट
कप होल्डर भी हो गया, सीट कवर लेदर के पड़े हुए हैं। ओके, तो सारा कुछ है जो भी फीचर नॉर्मली चाहिए, सारे कुछ फीचर मिलेंगे सर। म्यूजिक सिस्टम सर कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है जी। और पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। ओके, अगर इसके मेंटेनेंस की बात करें तो कितनी आ जाती है सर्विस कॉस्ट? पेट्रोल इंजन है, इसका मेंटेनेंस तो बहुत कुछ खास नहीं होता है, फिर भी अगर सर्विस की बात करें तो करीबन 2500 से 3000 रुपये की सर्विस आती है। ओके, बाकी डिपेंड करता है जैसे कंपनी में भी एसी जीएसटी लग जाता है 19-20 हज़ार कुछ, तो एक अलग बात है। बाकी बस खास गाड़ी होगी और आउट ऑफ साइड मिरर विद टर्निंग इंडिकेटर, हाँ सारा कुछ मिल जाएगा सर। आस्किंग आस्किंग प्राइस हम इसकी 4,90,000 रुपये की करते हैं। 4,90,000 जो कि नेको सेवल प्राइस है सर। न्यू में कितने की आती है? नई गाड़ी की बात करें तो लमसम वही 7.5 के आसपास की गाड़ी, 7.5 के आसपास की है। तो 4,90,000 इसकी डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी होंडा सिटी है। ओके सर, ये कौन से ईयर का मॉडल है? नेक्स्ट गाड़ी होंडा सिटी है मेरे पास में, ये 2018 मॉडल की गाड़ी है। 2018 मॉडल। और वेरियंट सर टॉप? वी मॉडल है ये, वी मॉडल। और पहले टॉप मॉडल होता था, फिर VX हो गया था, चाहे ZX की बात कर लूँ, सनरूफ के साथ में आ गई है वो। तो पहले तो यही टॉप मॉडल होती थी, लेकिन फिलहाल अभी सेकंड मॉडल हो गई है, सेकंड टॉप। हाँ। ओके, और ओनर फर्स्ट होगी, नंबर लखनऊ का हो गया, कलर आपका व्हाइट हो गया, 32JU नंबर हो गया इसका, 2018 का मॉडल है ये। और फुली लोडेड गाड़ी होगी होंडा सिटी की अगर बात करें तो सारे फीचर होंगे इसमें। चली है जो इस समय 74,000 किलोमीटर चली हुई है, जो ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, और बेहतरीन कंडीशन में है, कुछ भी करना नहीं गाड़ी में। छोटी मोटी मैंने पॉलिशमेंट किया है इसके ऊपर, जैसे टचअप किए मैंने बम्पर किए हैं, साइडों में जो भी स्क्रैचेस थे वो रिमूव किए हैं। ओके, बाकी कुछ भी तो नॉन स्क्रैच गाड़ी है पूरी। हाँ। और फुली लोडेड होगी जैसे मैंने बोला कि आपको चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, डिस्प्ले इस पे मिल जाएगा, एबीएस, अलॉय व्हील। ओके, शीशे आपके ऑटो ग्लासेस हो गए, ये भी हो गया, कंट्रोलर आपके स्टीयरिंग पे हो गए, हैंडरेस्ट हो गया, पीछे का पोर्टल हो गया, सीट कवर लेदर के हो गए, मैटिंग बहुत बेहतरीन कंडीशन में पड़ी हुई है। ओके, म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन बड़ा सा लगा हुआ है कैमरे के साथ में। ओके, तो सारा कुछ होगा और वो कंपनी फिटेड होगा। ओके, कंपनी फिटेड ही डिस्प्ले भी है सर। कितने सीसी का इंजन मिल जाएगा? इंजन की बात करता हूँ तो ये 1500 सीसी का इंजन हो जाता है, 1500 सीसी का 1.5 इंजन हो जाता है। ओके, और DRL मिल जाएगी आगे लाइट पे, बिल्कुल है, लाइट तो दरवाजे पे भी लगा रखी है, अगर खोलोगे तो आप लोग देख लीजिए एक बार, देखना चाहें तो ऐसे ही ये चारों दरवाजों में लाइटें लगी होंगी जैसे आप देख रहे हैं, ये लाइट पे ये लग रही हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है जो कि तो बढ़िया खुशकास थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ा देती है। ओके सर, ये बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाया है जो कि ओनर थे, ये की शौकीन होती है अपनी आप ना, कुछ ना कुछ आदमी कुछ एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश। और सर ये लाइट काफ़ी सही भी होती है, जैसे कि कहीं गेट खोल रहे हैं अंधेरे में तो उसके लिए सही है, सेफ्टी के पर्पज से काफी अच्छी है। रात में कहीं पे गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, जैसे लोग दरवाजा खुला हुआ है घुसे चले आ रहे हैं तो दरवाजा खोल दिया आपने तो रेड कलर की लाइट जल रही है वो। यस सर, वैसे इसके कंट्रोलर भी होते हैं, ये लाइट चेंज भी हो सकती है, ये ब्लू भी हो जाएगी, ये रेड भी हो जाएगी। okay. आप चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे लाइट का कलर चेंज। तो सर ये सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छी भी है। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है सेफ्टी पर्पज से भी। आप कहें अगर रात रात आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो जाती है रोड के किनारे हैं आप, या कहीं पे भी नहीं भी खड़ी होती तब भी आप दरवाजा अचानक खोल देते हैं वो तो है, कोई आ रहा है तो आपको लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है, ये दिखेगी, और लाल कलर होती है तुरंत दिखता है, टक्की कलर होता है ये, तो थोड़ा सा आदमी ध्यान देता है उस चीज के ऊपर। और फिर तो आदमी अगर आंखें बंद करके चला रहा है तब तो ठोकेगा ही। ओके, आस्किंग क्या रखेगी? आस्किंग प्राइस इसकी 9,25,000 रुपए की करते हैं। 9,25,000 इसकी भी आस्किंग प्राइस है और नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल है। ओके, तो हमारी वीडियो की आज ये लास्ट गाड़ी थी, तो चलिए अब साथ ही आप लोग को लोन फैसिलिटीज के बारे में बता देते हैं। सर आपके पास लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है? फाइनेंस अवेलेबल है हमारे पास में, लगभग सभी बैंकें होंगी। और कितने परसेंट डाउन पेमेंट देना पड़ता है सर? 25-30% डाउन पेमेंट होती है, 70-75% फाइनेंस हो जाता है। फाइनेंस हो जाएगी, बाकी डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। okay. फाइनेंस तो 80-85% 90% भी हो जाता है, लेकिन जहाँ पे हम 90% की बात करेंगे वहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि जो भी वैल्यूएशन आएगी उसका 90% करेंगे, या इंश्योरेंस की जो वैल्यू होगी उसका 90% करेंगे। वैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको एक्चुअल प्राइस पे 70-75% जो भी हमारी बात होगी, जैसे मैंने 9 लाख रुपये बताया तो मैं आपका इस पे 70-75% फाइनेंस करा दूंगा। ओके, और सर इसमें सर इंटरेस्ट कितना लग जाता है, कितने परसेंट? सब बैंकों का अलग अलग होता है, वैसे अगर कुछ बैंकें हैं ज़्यादातर बैंकों का है 8.5% होगा, 8.5%। ओके, 1,00,000 रुपये पे 8,500 रुपये साल भर के लिए। और दो और सिस्टम होते हैं, अगर रिड्यूसिंग की बात करें तो रिड्यूसिंग भी हो जाता है, फ्लैट की बात करें तो फ्लैट भी होता है, जैसा आप लेना चाहें वैसा हो जाता है। अगर सर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक ITR मांगती है आपसे, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट में चाहिए, अगर आप खेती किसानी करते हैं तो खतौनी चाहिए होती है। okay. तीनों चीज़ों में से अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपकी बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए और घर अपना होना चाहिए। आजकल बैंकें सिबिल स्कोर भी चेक करती हैं, आपके पास में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अगर सिबिल स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो फाइनेंस नहीं हो पाएगा। okay. या आपने किसी को गारंटी दे दी, गारंटर थे आप उसके, और उसने जो है किस्तें नहीं जमा करी तो सिबिल स्कोर आपका भी ख़राब कर देगा वो। तो आजकल बैंक सिबिल स्कोर देखती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। बाकी हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारी बैंकें हैं
तो देख लेता हूँ कहाँ से कैसे पेपर हैं, तो कहीं ना कहीं से तो करा ही देता हूँ। ओके, तो ऑल ओवर यूपी कहीं पे भी हैं फाइनेंस हो जाएगा। ओके, अभी तो मैंने यूपी के बाहर भी, मैंने भी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने गाड़ी दी, एक हमारे कस्टमर थे डिजायर दिया, मैंने बिहार के थे वो, मैंने उनका फाइनेंस करा दिया और यहीं से सब कुछ हो गया। तो होता है अगर कागज़ पर, एक्चुअली वो डॉक्टर थे पेशे से और उनके फादर भी डॉक्टर, तो दोनों लोग थोड़ा सा पेपर वगैरह बहुत अच्छे थे। ओके, तो फटाफट हो जाता है अगर कागज़ पत्र आपके अच्छे हैं तो। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी हों, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सैलरी अकाउंट में आती है, या बिजनेस ऐसा है कि कागज़ पत्र बड़े आपके बेहतरीन हैं, आपने कभी फाइनेंस भी लिया है, सिविल स्कोर बहुत अच्छा है आपका, तो इनकम प्रूफ है आपके पास में, एज आपकी 30 साल प्लस है, तो फाइनेंस होने में दिक्कत नहीं होती। ओके सर, और सर अगर NOC की बात करें तो आपका NOC प्रोवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। किसी भी जिले के लिए, किसी भी जिले की बात करें या अदर स्टेट की बात करें, अगर NOC लेना चाहेंगे मैं NOC यहाँ से इशू करा दूँगा। ओके, और बाकी सर आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ, बेस्ट डील फोर बिल्स के नाम से शोरूम है हमारा, ये निराला नगर में, A30 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ, लखनऊ। मेरा नाम सुबोध तिवारी है और मेरा मोबाइल नंबर है 9335-346-113। किसी भी गाड़ी के बारे में आपको खरीदना हो, बेचना हो, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, बेचना खरीदना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। और अगर आपको किसी सिंगल गाड़ी की भी अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो सर का भी एक चैनल है सुबोध तिवारी ऑफिशियल के नाम से। हाँ। उसका भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाँ, जहाँ पे मोबाइल नंबर सर आपका होता है। हाँ। तो उस पर जाकर भी आप लोग देख सकते हो। और अगर कुछ स्पेशली होती है तो, मैंने जैसे भी कल पहली बार ऐसा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि लाइव भी हो सकता है, तो मैंने सोचा है कि मैं 2-4 दिन में एक बार लाइव भी दिखाऊंगा आपको, तो 2-3-4 दिन में कभी न कभी घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए लाइव भी दिखा दूंगा आपको। अगर आप देखना चाहते हो उस बीच में कोई भी गाड़ी पूछेंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। Okay. तो कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। कोशिश इतनी करिए कि आप मुझे ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल करें, 10 बजे से लेकर के 8, 8:30, 9 बजे तक ही कॉल करें आप हमें। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हैं, और जो भी जानकारी चाहिए आपको। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं, आप लोग को सारी डिटेल दे चुके हैं और सारी गाड़ियाँ भी दिखा चुके हैं, तो वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्री ओन्ड बाइक का हो, चाहे प्री ओन्ड कार्स का हो, चाहे प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल का हो। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।